हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। मैं हूँ गीता। मैं अपने चैनल पे ना हर वीडियो पे 5 क्वेश्चन कराती हूँ एचटेट वाले, जो कि एचटेट वाले बच्चों के लिए स्क्रीनिंग की जो तैयारी करी है उनके लिए, जो नेट की तैयारी करी है, फिर जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैंने 12 वीडियोस बनाई हैं एचटेट के, जो 60 क्वेश्चन थे 2018 के, उसमें हर वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाए हैं। आज वाली वीडियो में मैं सारे ही, यानी कि 12 वीडियोस का निचोड़ है ये, लेकिन विदाउट एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आंसर के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने सारी वीडियोस देखी है उसको ये पता लग जाएगा कि उसको पिछले कितने याद है। अगर वो पीछे वाले भूल रहे हैं तो प्लीज़ जाके पीछे वाली वीडियोस को देखें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो उन्हें पता लगेगा कि जो बाकी के ऑप्शन हैं उन्हें पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। व्हाट इज़ ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपको पता भी लग जाएगा वो कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो पे जाइए, वहाँ से देखिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस जो हमने करवा रखे हैं। ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, ये तो सभी को पता ही होता है। पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है, पीरियड कॉस्ट होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल प्राइम है तो एक ही कॉस्ट का नाम होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट फोरगेन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट, यानी कि एक उत्पाद है तो किसी अन्य उत्पाद की त्याग करने वाली लागत। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने की थी, प्रोपाउंडेड बाय किसने दी थी, ये वाली, ये दी थी वी व्रूम ने दी थी, विक्टर व्रूम ने दी थी। मोटिवेशन का तो बहुत ही एक्सप्लेन करके सारे जो है वो अपने नोट्स मैंने दिखाए थे, आप लोगों को नोट्स भी दिखाए थे कि आप नोट्स बना सकते हैं, उसमें मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरी है ना, जिसने भी दिया सभी के बारे में बता रखा है। और क्योंकि मोटिवेशन का जो टॉपिक है ना वो आ ही जाता है हर एचटेट में, नेट में हर एक में पूछ ही लिया जाता है, ये वाली थ्योरी किसने दी, वो वाली थ्योरी किसने दी, या तो मैच मेकिंग में दे देंगे या फिर ऐसे करके दे देंगे, या कह देंगे कि भाई सही मिलान करो, क्या उनके आगे जो राइटर है उनके आगे उनकी जो थ्योरी है वो लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है। तो अगर आपको फुली एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मेरी पीछे वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। द बजट दैट इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन सा बजट बनाया जाता है, ये भी हमने करा था। बजट फॉर द की फैक्टर, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बजट जो है वो सबसे पहले बनाया जाता है। अंडर विच सेक्शन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट को इंट्रोड्यूस करा था, बाय फाइनेंस एक्ट 1987, ये इसका आंसर था हमारा, ये सेक्शन 115 जी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट, तो सभी को पता ही होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर वहाँ पे होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमारा क्या होता है, लार्ज नंबर बायर्स है। हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी पता है, एफ डब्ल्यू टेलर होते हैं, तो प्लस वन प्लस टू के लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने फुली सोल्व करके देखा था। इन अ कंपनी वीकली मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन मटेरियल दे रखा था, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी थी, मटेरियल जो रिसीव हुआ है 4 to 6 weeks फ्रॉम इश्यू ऑफ सप्लाई, कैलकुलेट मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए, तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, 200 यूनिट एंड 650 यूनिट्स। अगर एक्सप्लेन करके देखना है, अगर फुली सोल्व करा हुआ देखना है, तो ये वाली वीडियो हमारी सेकंड वीडियो में है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन सा एग्जाम्पल है, ये हमारा फर्नीचर। नेक्स्ट है, विच रिसर्च इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिसर्च इन टू ह्यूमन मोटिव्स वैन इट रेफर टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन टू अनकवर द कंज्यूमर सब कॉन्शियसनेस और हिडन मोटिवेशंस, मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो ये हमारा आंसर था मोटिवेशनल रिसर्च। हो गया था कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, देखो ये भी मोटिवेशन वाली थ्योरी आ गई, सेकेंड क्वेश्चन आया अभी इसी पेपर में मोटिवेशन का, मास्लो ने दी थी ये हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवश्यकताओं के पदानुक्रम की अवधारणा। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोदिग्लिआनी, मोदिग्लिआनी मिलर की थ्योरी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर की मोदिग्लिआनी और मिलर थ्योरी है उसकी, ये कौन सी अजम्पशंस नहीं है, ठीक है, उसमें ये वाला था इम्परफेक्ट, क्योंकि उसमें अजम्पशन होती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ये भी सारी जितनी भी उसकी होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में मोदिग्लिआनी मिलर थ्योरी की अजम्पशन, वो हमने सारी करी थी वहाँ पे। अंकटाड किसकी फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ए कमोडिटी एंड व्हाट इज एक्चुअली पे फॉर इट, क्या वो पे करना चाहता है और एक्चुअल में वो क्या पे करता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, क्या कहते हैं इसको, कंज्यूमर सरप्लस। और ये बाकी सारे क्या होते हैं वो भी हमने अच्छे से कर रखे हैं, क्या कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना जरूर, जिसने भी ये वाली वीडियो देखी और जिसने पीछे की सारी वीडियोज देख रखी है कि उनके कितने क्वेश्चन ठीक है 60 में से। Which of the following would not cause either an under or over absorption of overhead? यानी कि इनमें से क्या ऊपरी के कम या अधिक अवशोषण का कारण नहीं है,
कौन सा कारण नहीं है, ये वाला था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर बीइंग ग्रेटर देन बजट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर वाली बात इसमें नहीं आती है। द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय, किसने करी थी, पीटर एफ ड्रकर ने रिटन करी थी। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट हमारी, ए प्रोजेक्ट इज वर्थ वाइल और ए प्रॉफिटेबल, कब होता है वो प्रॉफिटेबल, जब उसकी एनपीवी किसने से जीरो से ज़्यादा होती है। स्टैंडर्ड प्राइस है 6 per kg, एक्चुअल प्राइस है 8 per kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस, ये हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सोल्व करा हो देखना है तो आप मेरी फोर्थ वीडियो में जाके देख सकते हैं। SDR आर पॉपुलरली नोन एज, SDR को क्या कहा जाता है, SDR क्या होते हैं हमारे पेपर गोल्ड, इन्हें पेपर गोल्ड कहा जाता है, ये भी फुली एक्सप्लेन करके हमने बता रखा है। नेक्स्ट है कि विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है IMF एंड IBRD को। IMF एंड IBRD की फुल फॉर्म क्या होती है और ये बाकी से वो सारे हमने अच्छे से कर रखे हैं। अ कंपनी अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इतना, फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया था हमारा 150। ठीक है, अगर आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगर वो फुली सॉल्व करे हुए देखने हैं तो आप वीडियो में जाके आराम से देख सकते हैं। चैनल पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और पीछे जाके वीडियोज को देख लीजिए, ये हर आप आराम से लगा सकते हैं कि कौन सी वीडियो में इसका आंसर पाएगा। 91 से शुरू है वीडियोज और हर वीडियो में 5 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ फर्म इज इन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी, यानी कि एक उद्योग में एक जैसी रणनीति का पालन करने वाली फर्मों के समूह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ठीक है, और ये सारे ग्रुप भी हमने वहाँ अच्छे से बता रखे हैं, कर रखे हैं वहाँ पे। मार्जिनल ग्रिड में डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मोर्टेन, ठीक है, ब्लैक एंड मोर्टेन द्वारा, ए मैनेजर हु हैज़ हाई कंसिड्रेशन, और ये भी अच्छे से बताया था, इसके 4-5 इसकी वो होती हैं पॉसिबिलिटीज़, ये हमने डायग्राम के थ्रू वहाँ से समझा था। देखो ये क्या कह रहा है, हाई कंसिड्रेशन फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए तो हाई कंसिड्रेशन है, लेकिन पीपल के लिए लिटिल कंसिड्रेशन है, लिटिल कंसर्न है सॉरी, तो ये कौन सा हो जाता है, ये 9.1। ठीक है, ऐसे करके हमने करा था, ये यहाँ पे एक यहाँ ली थी चीज़, एक यहाँ ली थी। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल, यहाँ पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9, और ये पीपल के लिए ये वाला आ गया था 9.1, यानी कि हाई कंसिड्रेशन फॉर प्रोडक्शन, लिटिल कंसर्न है पीपल के लिए, तो 9.1 हमारी मैनेजमेंट का स्टाइल आ गया था। उरुग्वे राउंड किससे संबंधित है, गैट से संबंधित है, ये तो मोस्टली पता ही होगा सभी को। नीट सिस्टम इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में किससे रिलेट करता है, ये हमारा रिलेट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से करता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कोटलर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केटिंग स्टिमुली, देखो मार्केटिंग स्टिमुली के बारे में पढ़ा था क्या होती है वो, और फिलिप कोटलर के मॉडल में कंज्यूमर बिहेवियर का जो फिलिप कोटलर ने मॉडल दिया था उसमें मार्केट स्टिमुली कौन सा क्या काम करता है, 4P होते हैं उसके। वन कंपनी ऑफर न्यू प्रोडक्ट, एक कंपनी जब न्यू, ये भी हमने डायग्राम के थ्रू वहाँ पे करा था, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का ये थी स्ट्रेटेजी। इसमें वो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, वो वाली वीडियो देखोगे, तो इसी क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन जो याद हो जाएंगे। 119 क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, किसको छोड़ के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट करती है, यानी कि प्रोवाइड करती है सारी, किसको छोड़ कर, कैश की फोरकास्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कैश फोरकास्ट का कोई जगह ही नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्ट दिखाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाती है, इन्वेंट्री वैल्यूज दिखाती है। एक मशीन ही परचेज करी, 1,00,000 रुपये की, इशू कर दिया चेक, इन दिस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो सभी को पता है कि मशीनें अगर खरीदेंगे तो मशीनें डेबिट होगी क्योंकि रियल अकाउंट है और डेबिट व्हाट कम्स इन। फैक्टर दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न इज, ये क्या हो जाता है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक यानी कि पैसे वाली बात हो रही है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या आ गया। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन है जो हमने निकाल के देखा है वहाँ पे, इसका आंसर है 1.3 times। नेक्स्ट है, तो ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेस मैन एज्यूम दैट द कंपिटिटर आउटपुट, देखो ये ओलिगोपोली के वो मॉडल बताना था जिसमें कंपिटिटर के आउटपुट को तो फिक्स मान लिया जाता है और फिर उसी के आधार पर निर्णय किया जाता है कि हम कितना उत्पादन करें, तो ये इसका था कुर्नो का ओलिगोपोली मॉडल था, और ये सारे मॉडल भी एक्सप्लेन करके वीडियो में करवाए गए हैं। हर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच थी लीडरशिप की, उसने पार्टिसिपेटिंग, ये वाला भी फुली एक्सप्लेन करके समझा रखा है, ये एक क्वेश्चन से 4 questions याद होंगे। यहाँ पे हमारा आंसर है ये लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। ठीक है, ये 4 हमारे जो है वो होते हैं, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया गया कि कैसे ये 4 जो है काम करते हैं, कौन से
कौन सा कब आता है, ठीक है। ऐसे तो हम पजल हो जाएंगे सारा याद करने में, लेकिन अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इसको याद करते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। राइटिंग ऑफ लोस्ट कैपिटल इज वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी, खोई पूंजी को खारिज करना समता पूंजी को क्या करने का तरीका है, रिड्यूस्ड करने का तरीका है, कम करने का तरीका है। विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, मार्जिनल रेट नहीं है, ठीक है। मार्जिनल रेट हमारी क्रेडिट पॉलिसी का जो है घटक नहीं है, बाकी सारे हैं। द सिस्टमैटिक कलेक्शन इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, जॉब के बारे में बिल्कुल सिस्टमैटिक कलेक्शन करना, इवैल्यूएशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना इन्फॉर्मेशन की क्या कहलाते हैं, कहलाता है हमारा जॉब एनालिसिस। हमने वीडियो में जो है इवैल्यूएशन के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में और स्पेसिफिकेशन के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से वहाँ पे करवा रखा है। सोर्सेज ऑफ पावर डिपेंड ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट, ये भी सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। और इसका आंसर क्या है, हमारा उत्पीड़क शक्ति, कर्सिव पावर। देखो, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इज क्या कहलाता है, ये हमारा डायरेक्शन कहलाता है। द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू, इसमें भी दो कंडीशन होती है, ये भी हमने कर रखा है। टाइप वन की एरर होती है ये, टाइप टू कब हो जाती, जब एक गलत को हम सही मान लेते हैं तो वो टाइप टू हो जाती है, अब सही को गलत मान रहे हैं तो टाइप वन एरर है। डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल, बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अगर कोई कंपनी मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव करती है तो वो कौन सी रेट होती है, इंटरनल ग्रोथ रेट, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ रेट। और ये सारी रेट एक्सप्लेन करके बताई गई है अपनी वीडियो में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेमस कमेटी, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है ना, उसको जो क्रेडिट लिमिट देखने, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्रूटमेंट को देखने के लिए जो उनसी कमेटी नहीं बनाई गई वो करनी थी। कौन सी विख्यात समिति नहीं है जिसे कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रेडिट सीमा की जाँच हेतु नियुक्त किया गया, यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक थे ना, उनकी क्रेडिट लिमिट की जांच के लिए बहुत सारी कमेटियां बिठाई गई थी, तो यहाँ से वो छाटनी है जो कमेटी नहीं बिठाई गई थी, थी एसएस व्यास कमेटी, क्या ये तीन कमेटी बिठाई गई थी, इनके अलावा तीन और बिठाई गई थी, तो छः की छः कमेटी हमने अपनी वीडियो में करवा रखी है, पीछे जाके वो वाली एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत करी है आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने में, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें या फेसबुक पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे आ जाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नए सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आपको बहुत ही यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलेंगी, आपको टाइम टाइम पर मिलेंगी। मेरा तो यही मकसद रहता है कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊं, लेकिन कई बार नहीं बना पाती तो वो स्किप हो जाता है वो डे, बट कोई बात नहीं। लेकिन जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ ना तो पूरा मन से बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पास बुक फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, प्लस वन का ये वाला क्वेश्चन है हमारा। देखो, ये जानकारियों से पासबुक के अनुसार जो है शेष हमें ज्ञात करना था, तो इसका आंसर हमारा आया था 19,100 रुपये। अगला है, ए प्रोग्राम टू चेंज वर्कर एटीट्यूड अबाउट क्वालिटी बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस, ये भी अच्छे से कर रखा है वहाँ पे। ये था हमारा जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट में बिल्कुल कंज्यूमर को, इस वर्कर को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो बिल्कुल ही हमारा डिफेक्ट फ्री जो है प्रोडक्ट को बनाए, जीरो डिफेक्ट, उसमें ये सारे भी हमने करे थे। विच कर्व शोज द रिलेशनशिप, मैं सच कह रही हूँ अगर आप पीछे वीडियो पर जाके उन्हें देखते हैं ना तो बहुत ही आपका फ़ायदा होने वाला है। विच कर्व शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड, ये कौन सा होता है, ये हमारे लाफर कर्व में होता है। ए डैश डिक्लेयर दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी एक्ट कॉन्ट्रैरी और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी विल बी नल एंड वॉइड एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, यानी कि कौन सा है इन सब में से जो ये घोषणा करता है कि कंपनी की गतिविधि के दायरे के विपरीत या उससे अधिक कोई भी कार्य किया गया ना तो वो शून्य होगा, अमान्य होगा और कंपनी पर वो बाध्य नहीं होगा, तो वो क्या हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन ऑफ। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप पीछे की वीडियो पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, डिपार्टमेंट की ऑफ ए सर्टेन फैक्ट्री डिजायर टू कोटा द सेलिंग प्राइस ऑफ 10,000 यूनिट, और हमें जो सारा जो दे रखा है ना, ये दे रखा है 1,000 यूनिट का, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिक्स वेरिएबल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स वेरिएबल, दे रखी है 1,000 यूनिट की और हमें निकाले 10,000 यूनिट की, और फिर कह रहे हैं कि इट इज़ डिजायर टू चेंज 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट असर्टेन द सेलिंग प्राइस, तो इसमें हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद एन अटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य जब अपने कॉस्ट से भी नीचे सेलिंग प्राइस कर दे कंपनी तो वो क्या कहलाता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग, सहारात्मक मूल्य निर्धारण। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट द
पिकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा कोर्टियोसिस होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो बजटिंग, की कौन सी नहीं है, मोर अफेक्टिव बजटरी कंट्रोल होता है इसे। सिस्टम बेस्ड टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ए प्रिंसिपल विच एंटेल्स द प्रोमिसर टू गेट कंपनसेशन फॉर द वर्क डन, ये हमारा क्वांटम मर्यूट होता है ये। द इंडिविजुअल हु रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय देयर एम्प्लॉइज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड, ये क्या मुखबिर होते हैं, मुखबिर विसल ब्लावर्स। द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव इज, ये क्या होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनना डिसीजन मेकिंग। विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू नो द एक्सटेंट ऑफ आउटसाइडर फंड और शेयरहोल्डर फंड, ये हमारा क्या जाएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज ए सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ये क्या था स्वैप के बारे में भी अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप किस में होता है, ये होता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। एंटरिंग फॉरन मार्केट में एंटर करना किसके साथ ज्वाइन करके, फॉरन कंपनीज के साथ। टू प्रोड्यूस और मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विस, ये क्या हो जाता है हमारा ज्वाइंट वेंचरिंग हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड हमारा कौन सा, एडवर्टीजमेंट, बाकी सारे डायरेक्ट है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट माइनस द रिस्क फ्री रेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में से अगर हम माइनस कर दें रिस्क फ्री रेट तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिस्क प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन पेपर 2018 का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन ठीक है।